हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो कैसे निकाला जाता है। इस न्यूक्लियस जो न्यूक्लिया हमारा चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो आपको पहले भी मालूम होगा कि एटम चैप्टर ने, रदरफोर्ड ने एवरेज आउट न्यूक्लियस का साइज बताया था कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको हम लोग, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था, जिससे ये पता चला था कि एटम में न्यूक्लियस टाइप का कुछ होता है। पहले तो ये बताया जाता था जेजे थॉमसन के द्वारा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स है वो टोटली स्प्रेड होता है एटम में, पर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमको ये पता चल गया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है एटम के, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। फिर हमने न्यूक्लियाई चैप्टर में आ गए, और न्यूक्लियाई चैप्टर में हमको पता चला कि प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होता है, जैसे कि हम लोग आइसोटोप देखे, और इससे हमको पता चला कि न्यूट्रॉन इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि आइसोटोप्स भी बहुत सारे प्रेजेंट हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स को बाइंड करके भी रखा हुआ है, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड थे उनका एक्सपेरिमेंट जो टोटली बेस्ड था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर में बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को भेजे तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा, तो अब रिपल कर रहा है तो हम एक पार्टिकल को, या फिर अल्फा पार्टिकल जो हम लोग लिए थे उसको कितना पास तक भेज सकते थे न्यूक्लियस के। जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा था और ये हमारा न्यूक्लियस था जहां पास में प्रोटॉन बैठा हुआ था, ठीक है, प्रोटॉन अंदर में था प्रेजेंट। तो जब इसको इन्होंने क्या किया, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके इसके पास भेजा, नियर टू नियर कितना पहुंच सकता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको रफली अराउंड 5.1 × 10⁻¹⁻ मीटर के आसपास उनको इसका क्लोजेस्ट अप्रोच मिला। मतलब यहां से समझ लीजिए ये यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था उनको अराउंड 5.5 × 10⁻¹⁻ मीटर के आसपास मिला। पर इससे वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनका जो टोटल बेस था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर था, ठीक है। तो अगर इसको और फोर्स दिया जाए तो ये और नजदीक जा सकता था आराम से, ठीक है। तो उन्होंने कुछ और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस के पास भेज के देखा कि क्या वो वहां पास में इनपुट हो जा रहा है, इन कर जा रहा है, या फिर इसके चारों तरफ ऐसे घूम ही रहा है खाली, ठीक है। तो इस तरीके के काफी सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, और इसके बाद उनको एक कंक्लूजन लगा कि अगर मुझे न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसको अगर फाइंड आउट करना है, तो एक सिंपल सा कंक्लूजन था उनका कि अगर न्यूक्लियस के वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर के साथ में रखा जाए तो हम इजिली रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन क्या था, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 πr³, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर a, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मास नंबर आपका हो गया a। 4/3 π एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं फिलहाल में, ठीक है, और बोलेंगे कि r क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। तो r अगर इस क्यूब को उधर भेजू तो मेरा ये बनेगा 1/3, इसको हम लोग क्यूब रूट भी बोलते हैं। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हमको हटाना था, तो इसके लिए r इक्वल टू r₀ a⁻³ एंड दिस इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1.2 × 10⁻¹⁵ मीटर लिखा जाता है, ठीक है, या फिर इसको 1.2 फेरी मीटर के आसपास भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 × 10⁻¹⁵ जो होता है वो आपका फेरी मीटर होता है, ठीक है। इस वैल्यू को आप एफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बात ये आती थी कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आया तो आया कहां से, और ये सभी न्यूक्लियस में एक जैसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने ये कांस्टेंट वैल्यू बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मिलाएंगे तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि क्या किया है, प्रोटॉन
आपका दो प्रोटॉन है तो उसको न्यूक्लियस आया है और इसको बाइंड करके रखा हुआ है। समझ लीजिए कि आपका आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को क्या है, यहाँ पास में प्रोटॉन है और ये एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो दो आपके इसकी वैल्यू हो गए मास नंबर और एक आपका इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये दोनों एक न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज वैल्यू, इन दोनों का एवरेज रेडियस वैल्यू, ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज रेडियस जो वैल्यू रहेगा, एवरेज रेडियस, ठीक है, ये रहेगा आर जीरो, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना के बोला जाता है, अलग अलग दोनों को नहीं बोलते, ठीक है, तो न्यूक्लियॉन का जो एवरेज रेडियस था वो आर जीरो था, और किसी भी न्यूक्लियस को आप उठा लीजिए, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज तो सेम ही मिलने वाला है, तो किसी भी न्यूक्लियस में ये वैल्यू, आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलने वाली है, इसीलिए इसको एक कांस्टेंट वैल्यू से डिनोट कर दिया गया है, 1.2 फेरी मीटर, ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड द न्यूक्लियस रेडियस, ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस को आप इजिली इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो इस तरीके से आप न्यूक्लियस के साइज को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आई होप आपको अब ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्लियर हो गया होगा, कैसे इसके रेडियस को फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब आगे टॉपिक, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा न्यूक्लियर डेंसिटी, कि एक न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी कितनी होगी, मतलब उतने जो भी आपका न्यूक्लियस का साइज है, आप समझ सकते हैं कि रेडियस कितना छोटा है तो आपका जो न्यूक्लियस है वो भी कितना छोटा होगा, और उसके अंदर में कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर बैठे हैं तो उसको पकड़ के रखने के लिए और उसके अंदर कितना ज्यादा डेंसिटी होगा, चलिए इसको समझते हैं। वैसे तो काफी छोटा है, आप समझ सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको रिलेट करके भी देखेंगे अदर एलिमेंट के साथ में, कि हमारा जो न्यूक्लियस है सच में कितना डेंस है, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, कितना ज्यादा डेंस है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो, न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए रो से डिनोट किया जाता है और मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमको न्यूक्लियस का जो मास है उसको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसको फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है हमारे पास। वो क्या तरीका है हमारे पास में, कि न्यूक्लियस के साइज को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे न्यूक्लियस का साइज को फाइंड आउट करना है तो उसमें बैठे हुए जितने भी चीज हैं, ठीक है, या फिर प्रोटॉन ले लीजिए या न्यूट्रॉन ले लीजिए, ठीक है, उसको अगर मैं एटमिक नंबर से, मतलब एटमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, ठीक है, मतलब उसके मास के एक्चुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पूरे न्यूक्लियस का जो मास है वो इजिली फाइंड आउट हो सकता है। समझिए किस टाइप से, समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें एक प्रोटॉन बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का एटम था हमारा, तो इसका अगर मैं बोलूं कि न्यूक्लियस का जो वेट है वो कितना है, तो जो वेट प्रोटॉन का होगा, तो प्रोटॉन कितने हैं, 1, और प्रोटॉन का वेट कितना होता है, 1.672 × 10⁻²⁷ kg के आसपास, ठीक है, तो प्रोटॉन का वेट इतना होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का वेट इतना होगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आइसोटोप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आइसोटोप ले लेते हैं, चलिए 2, 1 हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया। अब इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, और हमको मालूम है कि न्यूट्रॉन का वेट जो होता है वो नियर अबाउट आपका किसके बराबर होता है, नियर अबाउट आपका प्रोटॉन के बराबर होता है, तो कितना होता है वो, 1.6749 समथिंग इंटू 10⁻¹, तो ये नियर अबाउट द प्रोटॉन है। अब यहां पास में कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई है, तो इसका मास नंबर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका टोटल वेट जो भी आएगा आप यहां आराम से लिख सकते हैं, तो मास को निकालने के लिए आप इसके एटमिक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एटमिक नंबर इंटू एम, एम इज फॉर मास। अब वॉल्यूम के लिए आते हैं, तो फॉर सिंपल सा फॉर्मूला है 4/3 πr³, ठीक है। अब इसमें एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझिए, कि जो हमारा डेंसिटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है, वो कैसे होता है, देखिए, तो
न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक है, बहुत सिंपल सा देखिए। अब 4/3 अभी a इंटू एम लिख लेता हूं और 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है r0 a टू द पावर 1/3, इतनी होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए r के जगह में इसको लिख देता हूं r0 a 1/3 के पावर में क्यूब। अब इस क्यूब को अंदर ले आइए आप, तो आपकी वैल्यू आएगी a इंटू एम 4/3 पाई r0 a टू द पावर 1/3 इंटू 3 कैंसिल और ये आएगा a इंटू एम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए कैंसिल। देखिए एटॉमिक नंबर जो आपका मास नंबर है सॉरी वो टोटली आपका कैंसिल हो गया और आपकी वैल्यू आई m अपॉन 4/3 पाई r0 क्यूब। तो अगर ये एटॉमिक नंबर्स आपका सॉरी मास नंबर से ये टोटली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी न्यूक्लियस को ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस को ले लीजिए, उसका जो डेंसिटी है वो आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। तो डेंसिटी आपको अगर किसी भी न्यूक्लियस को आप ले लें तो आपको क्या मिलने वाला है, बराबर ही मिलने वाला है। तो अगर आप इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, एम की वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं यहां पर 1.67 इंटू 10^-27 4/3 पाई को आप 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं और आर की वैल्यू आपको मालूम होगी 1.2 इंटू 10^-15 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब ले लीजिएगा और जब आप इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 2.3 इंटू 10^17 ऊपर केजी है और नीचे आपका आर है तो मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब था ऊपर चला गया तो केजी पर मीटर क्यूब वैल्यू आपका आएगा 2.3 × 10^17 केजी पर मीटर क्यूब और इतनी डेंसिटी इसकी होती है और काफी ज्यादा डेंसिटी है। अगर आप एक एग्जांपल ले लें जैसे कि वाटर, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी 10^3 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास होती है और आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, नियर अबाउट 10^14 के आसपास आपका इतना डिफरेंस तो इसमें है ही। और आप इसको समझ सकते हैं कि अगर एक आप पानी ले लें और पानी को अगर ग्लास में डालें, ठीक है, तो अब देखिए डेंसिटी की बात, तो अगर आप नॉर्मल पानी भी डालते हैं तो आपको लगता है कि वो जो गिलास है वो पूरा का पूरा भर गया जितना में पानी भरा है, पर डेंसिटी देखिए कि उस जगह में वो कितना मतलब एरिया ले रहा है आपका डेंसिटी, ठीक है, आपका कितना वॉल्यूम ले रहा है और मतलब समझ सकते हैं आपके कितना कम डेंस है एज कंपेयर टू इसके मुकाबले, न्यूक्लियस के मुकाबले। न्यूक्लियस की डेंसिटी इतना ज्यादा है मतलब कि इतने छोटे से जगह में इतना ज्यादा डेंस है वो, तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको मैं ब्रेक करूं, ठीक है, फिर समझिए अगर मैं इसको ब्रेक करूं इतनी ज्यादा डेंसिटी को तो उसमें से बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज हो सकता है। ठीक है, और यही है हमारा अगले वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, मास एनर्जी इक्वेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इतना ज्यादा अगर डेंस है और इसे अगर ब्रेक किया जाए या फिर ये अगर अनस्टेबल हो जाए न्यूक्लियस तो कितना लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो सकता है और इसी के ऊपर में आपका काफी सारे न्यूक्लियर प्लांट बने हुए जैसे कि फिजन और फ्यूजन, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग को साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर में बातें करनी थी। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके बुक से ही कि अगर आयरन का मैं न्यूक्लियस का डेंसिटी निकालना चाहता हूं तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बाजू में ही आपके लिए आयरन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके बुक से। ओके, तो आयरन का अगर मैं मास लूं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो वो है 55.854 U। ठीक है, U इज एटॉमिक मास यूनिट, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 55.854 इंटू 1.67 इंटू 10^-27।
ठीक है, दिस इज द वन एटमिक यूनिट वैल्यू। ठीक है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये नियर अबाउट 92.74 के आसपास में आएगा, ठीक है, इनटू 10^27 केजी। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दिस इज द मास ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी हमको चाहिए थोड़ा सा, सॉरी मास नंबर जो होता है, मास नंबर, ये एटॉमिक मास वेट है और दिस इज द मास नंबर। मास नंबर कितना है आपका 56। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर ये फॉर्मूला हमने, इस फॉर्मूले को अगर रटा हुआ है एग्जांपल में और हमको एटॉमिक नंबर दे देता है, ठीक है, तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम आ सकता है कि एटॉमिक नंबर का यूज हम लोग यहाँ पास में कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे चले जाना है। क्या, किस में चले जाना है, इस वैल्यू में आ जाना है। ठीक है, इस वैल्यू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एटॉमिक नंबर इनटू मास, ये मिलके आपका ये वैल्यू बनता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर ये पूरा वैल्यू यहाँ पास में दिया हुआ है तो आपको ये ए है इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, और ये जो 56 नंबर है ये इस जगह में आपका इनपुट पुट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल से फिर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है आपका 92.74 इंटू 10^-27, वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 πr0, मतलब 1.2 इंटू 10^-15 के पावर 3, और इंटू ए की वैल्यू है 56। और जब इसका आप इक्वेशन, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 2.29 इंटू 10^17 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास आएगा, और दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। तो इससे भी हमको एक रफली आइडिया मिल गया कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो डेंसिटी है वो सभी न्यूक्लियस में, मतलब सभी के एलिमेंट के न्यूक्लियस में लगभग लगभग बराबर ही आता है। ठीक है, तो हम क्लियरली आपको ये वन मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आपका जो न्यूक्लियस है उसका जो डेंसिटी है वो सभी न्यूक्लियस के, सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस में सेम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ होता है, और या फिर फिल्म ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ठीक है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट डेंसिटी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2.3 × 10^17 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी और साइज ऑफ द न्यूक्लियस का ये टॉपिक जो है उसको क्लोज करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका मास एनर्जी इक्वेशन के ऊपर रहेगा, जो आइंस्टीन का काफी फेमस इक्वेशन है E=mc². उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि मास डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, और बाइंडिंग एनर्जी से हमको कैसे पता चलेगा कि वो फ्यूजन रिएक्शन है कि फ्यूजन रिएक्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।